यही वो जगह है जहाँ SHO करिश्मा सिंह ने डॉक्टर बंसल का फेक एनकाउंटर करने की नाकाम कोशिश की। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कहाँ है करिश्मा सिंह? क्या असलियत सामने आने के बाद फरार हो गई? बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब। क्या लगता है आपको कि करिश्मा मैडम मुजरिम है, अपराधी है? और वो जो बंसल बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सच का सामने आने तक का तो वेट कीजिए। आप यहाँ पे आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, ये है हमारी करिश्मा मैडम की गाड़ी। अगर उन्हें भागना ही होता ना तो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़कर ऐसे नहीं जाती। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी करिश्मा मैडम है ना, वो भागने वालों में से नहीं है, वो यहाँ जरूर आएंगी। तब तक के लिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। संतु जी, कोई जूता? ये तो करिश्मा मैडम की गाड़ी वहाँ है, फोन यहाँ लास्ट ट्रेस हुआ था। और ये करिश्मा मैडम का ही फोन है, आगे सिर्फ जंगल ही कहीं करिश्मा मैडम की नहीं जान। हम सब जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे पास बस सबूत नहीं है, वरना डिपार्टमेंट का हर एक बंदा जानता है कि इसके पीछे आस्थाना है। कहीं आस्थाना नहीं करिश्मा मैडम को। संतु जी देखिए, आप इसे रोइए मत, हमको भी ना रोना सा आ रहा है संतु जी पर, प्लीज। संतोष, ये रोने का वक्त नहीं है, मिलकर लड़ने का वक्त है। हिम्मत से काम लो, हमको करिश्मा मैडम को ढूंढना है ना। गलती हमारा है, हमने उनको कहा था व्रत लेने के लिए। क्या शिकारी खुद बन रहा है शिकार? SHO करिश्मा सिंह गई थी एक शरीफ सेनी का एनकाउंटर करने, और उधर उनका हो गया शेर के साथ एनकाउंटर। अब इस सवाल का जवाब सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। करिश्मा मैडम का कुछ पता चला? जीते वीडियो बना। बताता हूँ, रेडी है? हाँ। बहुत साल पहले तक मैं एक शातिर चोर हुआ करता था। भागने में, फरार होने में, चकमा देने में नंबर वन था। कोई भी मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस महिला पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर करिश्मा मैडम, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बिल्लू चंपत को पकड़ लिया। तो सोचो करिश्मा मैडम क्या तेज होगी। और जब मैंने उनका भौकाल देखा तो मेरे मन ने उनका एक नाम रख दिया, शेरनी करिश्मा मैडम। शेर माता रानी की सवारी होती, माता रानी का आशीर्वाद है उनके साथ, और ये अस्ताना की चाल है। लेकिन अस्ताना तो करिश्मा मैडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी, और अपने पूरे भोकाल के साथ आएगी, और तुम्हारे घमंड की एक से एक ईंट बजा देगी। और तुम कहते फिरोगे दरोगा तो बहुत देखे पर तुमसे नहीं देखा। चारी पुलिस पोर्च उच्च करिश्मा सिंह की तलाश में लगी हुई है सरकार। मीडिया और पब्लिक को भी लग रहा है कि करिश्मा सिंह मर चुकी है। समाचार में भी यही खबरें आ रही है। अब आप क्या सोच रहे हैं सरकार? मैं क्या सोच रहा हूँ ये कहना है तुमको? जी सरकार, यही बोल रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? पहुंचा दे करिश्मा सिंह को ऊपर। देखो सुरेश, मारना नहीं है उस करिश्मा सिंह को, मौत की सजा बहुत छोटी हो जाएगी उसके लिए। अस्थाना से पंगा लेने का अंजाम भुगतना है उसको, उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा है मैंने। क्या सोचा है सरकार? चोच बंद कर, हर बात वक्त पे बताई जाती है,
वक्त आने दे बता दूंगा क्या करना है। हाँ बिल्लू, करिश्मा मैडम कुछ नहीं होगा। अरे वो शेरनी है शेरनी, आएगी जरूर आएगी और फाड़ देगी उस अस्ताना को। संतोष जी, ये वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि उस अस्ताना को पता चले कि करिश्मा मैडम अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। समझ रहे हो तुम हमको? हाँ, तुमको पता नहीं है हमारा भोकाल, अभी वहां आएंगे ना तो देख लेंगे सबको एक एक करके। तू जा, तू जाना, मुझे मरना है क्या? तू जाना। कहाँ हमको यहाँ बंद करके बैठे हो? मारना तो ऐसी मार दो ना। एक काम करते, दोनों साथ में देते। ठीक है, चलो। जहर तो नहीं है, जहर कैसे होगा? मारना होता तो ऐसे ही मार देते, ऐसे जिंदा नहीं रखते हमको इस कोठरी में। कहाँ चल रहा है ये सब, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ फंस गए हम? पूरा दिन गुजर चुका है लेकिन अभी तक करिश्मा सिंह का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तलाश अभी भी जारी है। के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। कल इस केस की सुनवाई का दिन है और अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं करिश्मा सिंह के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या करिश्मा सिंह कल कोर्ट में पहुंच पाएगी, और अगर नहीं तो क्या उनको कानूनी तौर पर फरार मुजरिम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से बिल्डर अस्थाना की जीत है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, अस्थाना का केस खारिज होना ये महज कुछ वक्त की बात है। हे माता रानी, हे करुणामयी, आज 4 दिन होने को आए, हमारी करिश्मा मैडम का कोई अता पता नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, जब तक करिश्मा मैडम वापस नहीं आ जाती हम ऐसे ही आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और तब तक नहीं लेंगे जब तक आप हमारी पुकार सुन नहीं लेती। चलो भाई, पत्ते खेलते हैं।
आपने व्रत लिया ना, हमें पता है आप हमें नहीं मार सकती। बात तो सही, हम ऐसे नहीं मार सकती, हमने व्रत लिया है, लेकिन तुम दोनों को हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। है तुम आपस कोई आइडिया बताओ, सजा तो हम देकर रहेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। का जल्दी बोलो। अब पांच तक गिनोगे ना, हम आपको दिखेंगे नहीं। बहुत खूब आइडिया है तुम्हारा, लेकिन हमको जो इतने दिन तक तुम कोठरी में बंद किए हो ना, इसका सजा हम तुमको जरूर देंगे। और बहुत खूब सजा है करिश्मा सिंह की अदालत में, बताएं अभी अभी के अभी तुम दोनों का सर एक दूसरे से टकराना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे दोनों का अभी के अभी। चलो चलो ना, उड़ा देंगे। क्या प्यार चल रहा है क्या? बोले ना जोर से तो जोर से। करिश्मा मैडम, बबीता मैम, करिश्मा मैडम आ गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगी, अच्छे से जानते हैं आपको, बहुत जिद्दी हैं ना आप, और वैसे भी बिना आपकी मर्जी से आपको भला कोई रोक सकता है का? सरकार जी, अंदर चल के बात करें। आइए। चलिए मैडम। चीते पानी। हाँ हम पानी लेके आते हैं। मैम मैडम, आप कहाँ थी इतने दिन? और ये सब उस अस्थाना ने हमसे धोखा किया, हमें बेहोश किया और हमें एक कोठरी में बंद करके रख दिया। का? तो फिर आप वहां से निकली कैसे मैडम? चमत्कार हो गया चीते, मतलब दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सरकार जी, ये अपने आप दरवाजा कैसे खुल गया, ये चमत्कार कैसे हो गया? जिस दरवाजे को हम तोड़ तोड़ के थक गए, वो दरवाजा तस से मस नहीं हुआ था और वो एकदम से अपने आप खुल गया। सब माँ की कृपा है मैडम, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सही सलामत वापस आ गई हैं, और कल कोर्ट में पेश होकर आप दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बता सकती हैं। वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर मैडम। अब देखते हैं कि कल अस्थाना को कोर्ट में कौन बचाता है। नहीं, सबको ऐसा लग रहा होगा कि माता के आशीर्वाद से करिश्मा सिंह वापस आ गई। अरे उनको क्या पता कि ये मेरा ही प्लान है, मैं तो करिश्मा सिंह को कभी मारना ही नहीं चाहता था। मैं तो उसको इससे भी, मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूं, ऐसी सजा जिससे वो ना वो चैन से मर सकेगी ना जी सके। असली खेल तो अब शुरू होगा मेरे दोस्त, आने दो उसको कल कोर्ट में। ऐसा चक्रवात चलेगा मेरा कि सब चक्रगन्नी की तरह चक्कर में पड़ जाएंगे। ट्विस्ट तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा बवाल ट्विस्ट किसी ने नहीं देखा होगा अपने जीवन में। लिख के ले ले। चाहिए चरकार, एकदम चाहिए।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि SHO करिश्मा सिंह जी इस अदालत में पेश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो पेश हो गई है। और वो सिर्फ उपस्थित ही नहीं है बल्कि अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का खंडन करने के लिए उपस्थित हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें कटघरे में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि कोर्ट की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू हो सके और श्रीमान अस्थाना जी के ऊपर लगे हुए आरोप साबित हो सके। दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूं सर। इससे पहले कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर SHO करिश्मा सिंह जी को कटघरे में बुलाने की तकलीफ करें, मैं अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। क्या ये जज साहब, अगर आज हमें इस सच्चाई का पता नहीं चलता तो इस न्याय के मंदिर में बेगुनाह के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता। जिस महिला को ये हमारे आदरणीय परम आदरणीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करिश्मा सिंह बता रहे हैं, ये करिश्मा सिंह नहीं है बल्कि कोई और है। हाँ? जो करिश्मा सिंह का हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहती है। SHO करिश्मा सिंह मर चुकी हैं और उसका सबूत ये डेथ सर्टिफिकेट जो इस वक्त आपके हाथ में। SHO करिश्मा सिंह कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये करिश्मा सिंह नहीं, उनकी बहरूपियां हैं, फ्रॉड हैं, और जिसकी गवाही को अदालत की नजर में कोई अहमियत नहीं है। जज साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्या बकवास चल रही है? हम आपको चिंता दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम SHO करिश्मा सिंह। रुको, तुमको आज हम बताते हैं। करिश्मा सिंह, ऑर्डर 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 सर, पर ये आदमी गलत बात कर। आप शांत रहिए, पीछे हटिए वहाँ से। नहीं नहीं सर, हम जिंदा यहाँ खड़े हैं, ये हमको मरा हुआ बता रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। उसके लिए अदालत है, आप पीछे हटिए। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यस सर। माफ कीजिएगा योर ऑनर, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हम आपके सामने एकदम जिंदा सही सलामत खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मर चुके हैं, हम आपको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपको मरा हुआ नहीं बता रहे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि SHO करिश्मा सिंह मर चुके और उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है जो इस वक्त जज साहब के हाथों में है। हम नहीं मानते इन कागज के टुकड़ों को। हम SHO करिश्मा सिंह हैं और हम जिंदा हैं सर, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो अंधेर राज हो जाएगा जज साहब। माफ कीजिए मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मतलब वहां अगर कहूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। थैंक यू। जय माता दी जज साहब। माफ कीजिए जज साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि हमारे संविधान में कागजात को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान क्यों है? क्योंकि बच्चा तब तक पैदा हुआ नहीं माना जाता जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। जब तक आपकी शादी को प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, शादी का सर्टिफिकेट कागज पर, तब तक आपकी शादी शादी नहीं मानी जाती। क्यों हर जगह कानूनी कागजात को सबूत माना जाता है? क्योंकि कल को कोई भी खुद को जिंदा बताकर, जैसे ये बता रही है,
किसी दूसरे का हक मारने के लिए खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा जज साहब तो जंगल राज फैल जाएगा, और इसीलिए सरकारी कागजों की महत्ता मानी जाती है और उसे ही कानूनी सबूत माना जाता है। पर यहां पर तो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास पड़ा हुआ है उस पर यह दर्ज है कि ये मैडम इस वक्त जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो SHO नहीं, स्वर्गीय SHO करिश्मा सिंह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो अब इस दुनिया में नहीं रही। न्यायाधीश महोदय, कागज तो बनाए भी जा सकते हैं। तो DSP साहब, आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है।